नमस्कार दोस्तों, क्रिसमस का पर्व सभी जानते हैं। क्रिसमस का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन क्रिसमस बना कैसे है? क्रिसमस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्राइसिस्ट और एक मास। इन दोनों को शब्दों को मिलाकर ही क्रिसमस बना है। जब यीशु का जन्म हुआ था तो जन्म होते ही सेंटा क्लॉज और यीशु का कोई भी संबंध नहीं था। सेंटा क्लॉज एक पौराणिक कथा और चरित्र के अनुसार देखा जाए तो बाहर से ड्रेस लाकर कोई भी व्यक्ति पहनकर और उस चरित्र का नाम बना दिया, जिसे सेंटा क्लॉज कहते हैं। और रेडियंट पर चढ़कर सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को गिफ्ट देता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्रिसमस पर यीशु का और सेंटा क्लॉज का कोई भी ज्यादा खास संबंध नहीं माना जाता है। क्रिसमस में सभी जानते हैं कि सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन क्रिसमस पर चर्च में जाकर देखेंगे तो चर्च में सबसे ज्यादा अच्छा पर्व माना जाता है। लोग पेड़ खरीद कर लेकर आते हैं और पेड़ की साज सज्जा करते हैं और उसे ही क्रिसमस का पर्व के रूप में मनाते हैं। लोग अपने देश में क्रिसमस और भी पर्व हैं जिसे अब सेलिब्रेट करते हैं। भारत देश में बहुत अनेकों पर्व सेलिब्रेट किए जाते हैं और उस अनेकों पर्व में क्रिसमस भी शामिल होता है। क्रिसमस सबसे बड़ा पर्व और साल का आखिरी पर्व माना जाता है, क्योंकि 25 तारीख क्रिसमस की डेट फिक्स होती है और 25 तारीख दिसंबर में हर बार मनाया जाता है। सर्दी में यह पर्व काफ़ी खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वह पेड़ को सजाते हैं या फिर बच्चे घर में पेड़ लेकर ही उस पेड़ की साज सज्जा करते हैं और थोड़े थोड़े गिफ्ट भी उन्हें मिल जाते हैं, या फिर माता पिता देते हो या फिर उनके घर में कोई भी उन्हें गिफ्ट देता हो। क्रिसमस का पर्व वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सेंटा क्लॉज और यीशु का इससे ज्यादा संबंध नहीं माना जाता है। देखा जाता है तो यीशु वैसे जन्म लिए थे तो उस समय पर उसी खुशी के रूप में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। कि क्रिसमस कैसे बना, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।